अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे खैरियत से होंगे हम भी बिल्कुल ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र अल्लाह का करम तो आज का व्लॉग जी यहाँ से शुरू करते हैं मैं जरा सिंक को क्लीन कर रही थी और कुछ भी नहीं डाला सिर्फ बेकिंग सोडा डाला है और बस अब इसको इस तरह से मैं रगड़ाई कर रही हूँ ठीक है अच्छे से क्लीन कर रही हूँ क्योंकि इसके बाद मैंने कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह वॉश करनी थी तो मैंने सोचा कि इसको अच्छे से क्लीन कर लें क्योंकि इसी में फिर मैंने पानी भरना था और कुछ मैं वेजिटेबल्स और इस तरह की चीज़ें लेकर आई थी तो वो मैंने रखी ठीक थी, है तो यहाँ पर देखिए जी मैं पानी फिल अप कर रही हूं और यहां पे मैंने रख दी इसके अंदर पुदीना मिंट ठीक है काफी सारा लेकर आई थी क्योंकि रमजान की तैयारी करनी थी उस हवाले से तो बहुत बहुत ज्यादा था और मैंने सोचा कि चलो इस तरह पानी में रखते ताकि जो भी मिट्टी रेत वगैरह है तो वो जरा नीचे बैठ जाएगी और ये अच्छे से क्लीन अप हो जाएगा तो पांच दस मिनट के लिए मैंने इस तरह रख दिया था इसको और इतनी देर में मैं यहाँ पर ग्रीन अनियंस या स्प्रिंग अनियंस जो भी इनको आप कहें उनको ज़रा क्लीन कर रही थी क्योंकि इसके ऊपर वाली जो लेयर होती है ना वो थोड़ी अजीब सी होती है पुरानी भी हो जाती है या अक्सर मतलब वो इतनी ज़्यादा फ्रेश नहीं होती तो उसको मैं साफ़ कर रही थी खैर यहाँ पर अब इन पुदीने को मैंने अलग से छान लिया ठीक है और धनिए को मैंने अलग से छान लिया अब बारी आती है जी ग्रीन अनियंस की जिनको मैंने साफ़ कर लिया था इनको भी मैंने थोड़ा सा पानी के अंदर रख दिया क्योंकि अक्सर इसके अंदर भी रेत होती है हमने तो बहुत अरसे बात डियर्स देखे डियर्स इतने ढेर सारे डियर्स डियर्स वो है ऊपर आओ ऊपर आओ ऊपर आओ मुस्तफा को भी मैंने ऊपर चढ़ाया मैंने कहा डियर्स देखो जरा है ना कितने सारे हैं ना डियर्स को कहा देखो मुस्तफा बहुत प्यारे डियर्स है ना <laughs> deer deer it's sinking तो यहाँ पर जी मैं ग्रोसरी करके आई थी ग्रोसरी वाला व्लॉग भी इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी लेकिन आज मैंने सोचा कि पहले अलग और चीज़ें शेयर कर लूँ आप लोगों से तो ग्रोसरी में मैंने तीन बड़े बटर के रोल्स रख लिए थे ठीक है ताकि घर में हम देसी घी निकालें और रोज़ों में ना हम लोग देसी घी के पराठे खाएँ वैसे भी हम लोग अक्सर घर में इस तरह निकाल लेते हैं बटर से लेकिन रोज़ों के लिए तो ये काम मस्ट करना था अगर आप लोग मेरी पिछली पुरानी रोज़ों की रमज़ान की वीडियोज़ देखें तो उसमें भी मैंने ये काम किया हुआ है कि हम लोग लाजमी ना पराठे जो हैं ना वो देसी घी खाते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि वो तीनों जो बड़े बटर के रोल्स थे वो मेल्ट हो गए हैं और काफी ऊपर झाग आ चुकी है और अब हम लोगों ने वेट करना है इस झाग को खत्म होने का ठीक है तो जी यहाँ पर ये देखें जी क्या सूरत हाल है इस टाइम पे इसकी अच्छा बटर के अंदर जो क्रीम होती ना। है ना डेफिनेटली उसके अंदर पानी भी होता है तो पानी को खत्म करने का हम लोगों ने वेट करना और जब ये बिल्कुल क्लियर आउट हो जाए ना मतलब बिल्कुल जिस तरह आप आप देख सकते हैं ऐहिता ऐसे क्लियर होना शुरू होगी और झाग भी खत्म होना शुरू होगी तो बस यही पहचान है घी बनने की तो अभी ये ज़रा थोड़ा सा और मैं इसको टाइम दूंगी ताकि ज़रा और क्लियर हो जाए और इसके बाद फिर हम इसको चूल्हे से हटा देंगे ठीक है तो अब मैंने इसको चूल्हे से हटा दिया है और इसको हम ज़रा ठंडा होने का वेट करें कि उसके बाद मैं किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इसको निकाल लूँगी तो ये देखिए जिस तरह मैंने निकाल दिया है और ओवरनाइट के लिए मैंने रखा था ठीक है और थोड़ा सा रह भी गया था वो मैंने छोटे कंटेनर में निकाल लिया था इस तरह से और उसको छानने की मदद से छान भी लिया था और ये देखिए जी एक रात रखने के बाद ये मैंने निकाला और बहुत ज़बरदस्त बना था बहुत ही ज़्यादा मतलब बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कि हमने कहीं बाज़ार से ख़रीदा हुआ है तो माशाल्लाह से मुझे तो बहुत अच्छा लगा और बस अब वेट करेंगे इंशाल्लाह पहली सैरी इसी से ही होगी अच्छा जी यहाँ पे बारी आती है अब सब्जियों की जिनको मैंने सुबह अच्छे से धो के रख लिया था ठीक है क्योंकि फिर मैं शाम को काम कर रही थी बाकी सारा तो यहाँ पर जी अब इनको मैंने क्या करना है कि इनको मैंने इस तरह से काट के और जिप लॉक बैग में रख के फ्रीज कर लेना है जिस तरह जैसे अचानक आपने ऑमलेट बनाना है या कुछ करना है तो स्प्रिंग अनियन तो मैंने उस चीज़ के लिए इस तरह काट के रख लिए थे ठीक है और धनिया पुदीना तो डेफिनेटली काटना था क्योंकि वैसे भी मैं धनिया इसी तरह धो के काट के फ्रीज करके रखती हूँ जब भी कोई सालन वगैरह बनाती हूँ तो उसके ऊपर फिर मैं गार्निश कर देती हूँ लेकिन आज मैंने चटनी भी बनानी थी ठीक है तो वो जो बच्ची में रह गया है ना वो मैं चटनी के लिए यूज़ करूँगी बाकी मैंने जिप लॉक बैग में डाल दिया था और अब मैं पुदीना इस तरह साफ कर रही हूँ तो यहाँ पर जी जो पुदीना है ना उसको मैं डंडियों से अलग कर रही हूँ यानी कि ओनली लीव्स में निकाल रही हूँ क्योंकि इसकी डंडियाँ काफ़ी मोटी मोटी थी तो साथ में यहाँ पे जो मैंने लहसन है ना उसको भी थोड़ा सा छीलना शुरू कर दिया है और अदरक का छोटा सा पीस आप लोगों को नज़र आ रहा होगा तो यहाँ पर तकरीबन पाँच छः दाने जो है ना मैंने लहसन के ले लिए और थोड़ी सी अदरक अच्छा चटनी में मोस्टली लोग अदरक नहीं डालते मैं भी नहीं डालती थी लेकिन मेरे पास घर में थोड़ी सी पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा कि चलो ऐड कर लेते हैं साथ में मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर जो है ना वो भी काट लिया ठीक है तो यहाँ पर जी जो धनिया पुदीना मैंने ऐड कर दिया पुदीना थोड़ा सा धनिया से कम था और उसमें मैंने अदरक लहसुन जो थोड़ा मैंने ऐड किया और साथ में वो जो टमाटर मैंने काटा था उसको ठीक है पानी मैंने इसलिए ऐड किया ताकि मशीन अच्छे से चले नहीं तो फिर अच्छे से चॉप नहीं होता और हरी मिर्च इसमें अब मैं ऐड करने लगी हूँ आप लोग अपने हिसाब से ऐड करें खैर यही मेरा तरीका है चटनी बनाने का अच्छा कुछ लोग इस टाइम फिर ज़ीरा भी ऐड कर लेते हैं नमक भी ऐड कर लेते हैं लेकिन मैं वो जब चटनी बनाती हूँ ना तो मैं उसी टाइम ही दही में ऐड कर लेती तो इसीलिए मैं इसमें अभी मिक्सचर में ऐड नहीं कर रही तो अभी ये सिर्फ और सिर्फ जितनी चीज़ें मैंने डाली है ना बस इसी चीज़ों का मिक्सचर होगा और जब ये चॉप हो जाएगा तो आइस क्यूब कंटेनर जो होते हैं हमारे पास घर में नॉर्मली बस उसी में मैं इस तरह डाल के ना एक ही तरतीब से रखती जा रही हूँ और इसको इनशाला हम फ्रीज कर लेंगे एक रात के लिए तो ये देखिए जिस तरह से ट्वेंटी एट क्यूब्स हमारे पास रेडी हो चुकी हैं चटनी की इंशाल्लाह जब भी ज़रूरत पड़ेगी बस एक क्यूब हम निकालेंगे और दही में मिक्स करेंगे थोड़ी देर में ये हल हो जाएगी और उसी में ही फिर मैं ज़ीरा नमक और कोई मिर्च वग़ैरह मैंने ऐड करनी हो तो मैं कर लूँगी तो एक रात के लिए मैंने इसको रख दिया था फ्रीज़र में और अगले दिन मैंने फिर इसको इस तरह से निकाल के सारे क्यूब्स को एक सिप्लॉक बैग में बंद कर दिया और इंशाल्लाह अब हम इसको रख देंगे फ्रीज़र में दोबारा से अब अगली बारी आती है जी पकोड़ों की पकोड़ों के लिए पालक मस्ट है हमारे घर में तो मैं काफ़ी सारी पालक ले आई थी और जिस दफ़ा मैं लेकर आई थी वो पैक में थी तो वो धुली धुलाई हुई थी इसको मुझे धोने की जरूरत नहीं पड़ी वो आप व्लॉग में देखेंगे क्योंकि मुझे फ़्रेश मिली ही नहीं दूसरी वाली पालक तो फिर मैं ये वाली ले आई थी और इन सारी मतलब तीन बड़े पैकेट्स ले आई थी इनको मैंने अच्छे से काट के और जिप लॉक बैग में बड़े वाले में रख दिया था ठीक है अब जब भी मैं पकौड़े बनाऊँगी इन से तो इसमें से बस निकाल के हम यूज़ कर लेंगे तो ये भी काम मेरा हो गया तो ये देखिए जी सारी चीज़ों के ऊपर मैं लिख रही हूँ कि क्या क्या है वैसे मुझे तो पता था लेकिन मेरे ससुर भी कुकिंग करते होते हैं तो उनकी आसानी के लिए भी मैंने लिख लिया था या कोई और वकार ने अगर कोई चीज़ निकालनी है तो सबको पता हो कि कौन सी चीज़ क्या है क्योंकि सारी ग्रीन ग्रीन चीजें फ्रीज होने के बाद तो पता भी नहीं लगता तो खैर ये देखिए जी इस तरह से मेरे सारे पैक्स तैयार हो चुके हैं अलहदुल्ला तो जी यहाँ पे बारी आती है अब रेसिपी की जो कि बहुत मजे की है तो जिसको कहते हैं चिकन स्वर्ल्ड रोल्स ठीक है बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है तो जिसके लिए आपको चाहिए चिकन का कीमा और चिकन के की कीमे को मैंने ऑयल और अदरक लहसन पेस्ट में इस तरह से काफ़ी तेज़ आँच पर आपको देख सकते हैं कि मैं इसको फ्राई सा कर रही हूँ ताकि इसकी जो स्मेल वगैरह है वो ख़त्म हो जाए और चिकन बहुत जल्दी बन जाता है वैसे भी तो जब इसका कलर भी चेंज हो गया और ऑलमोस्ट ये पक पकी गया था तकरीबन तो मैंने इसमें कॉर्नस ऐड कर दिए साइड पे जी यहाँ पे मैं अनियंस काट रही हूँ ठीक है और इसमें मैंने कोई और मसाला ऐड नहीं किया सिर्फ़ और सिर्फ चिकन तंदूरी मसाला मैंने ऐड किया है ठीक है थोड़ा तंदूरी फ्लेवर देने के लिए और हल्का सा मैंने नमक ऐड किया है ठीक है और जब और चिकन तकरीबन रेडी हो गया था तो मैंने इसमें ना अनियंस डाले जो मैं काट रही थी वो और स्प्रिंग अनियंस इसके अलावा मैंने और कुछ भी ऐड नहीं किया तीन चीज़ें ऐड की हैं कॉर्नस नॉर्मल अनियंस और स्प्रिंग अनियंस जैसे कि आपने देखा और ये हमारी डिश तैयार हो चुकी दैट्स इट यहाँ पर जी मैं दो पफ पेस्ट्री शीट्स लेकर आई थी ठीक है दो पैकेट्स और ये बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं आप लोगों लो को बहुत इजीली मिल जाएंगी तो सबसे पहले एक पैकेट मैंने खोला उसमें दो शीट्स थी तो पहली शीट जो मैंने खोली और उसके ऊपर मैं, तरह न, मैं इस तरह से पिज़्ज़ा सॉस लगा रही हूँ ठीक है और पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद वो जो कीमे वाला मिक्सचर है ना वो इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ इस तरह से ठीक है इसके बाद हम लोगों ने चीज़ डालनी है अच्छा पहली दफ़ा मैं भूली गई थी चीज़ डालना तो वो पहले ही मैंने रोल कर दिया खैर फिर मैंने उसको खोला और दोबारा से मैंने किया बहुत आराम से और बहुत एहतियात से इस तरह से हम लोगों ने कटिंग करनी है जिस तरह के आप देख सकते हैं और एक एक रोल हम निकालेंगे और मैंने बटर पेपर पहले से ही लगा दिए क्योंकि इसको मैंने फ्रीज़ करना है ताकि ये चिपके नहीं और इजीली इसको मैं हटा सकूं तो बटर पेपर मैंने एक बेकिंग ट्रे के ऊपर रख दी है और इसके ऊपर एक एक ऑलिव मैं लगा रही हूँ ठीक है सेम इसी तरह एक दूसरी शीट के ऊपर भी मैं कर रही हूँ इस दफ़ा मैंने सबसे पहले चीज़ डाली है और इसके ऊपर मैं कीमा ऐड कर रही हूँ जिस तरह के आप देख सकते हैं दोनों तरीके एक ही जैसे हैं कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। और अब इसको भी मैं दोबारा से बेकिंग ट्रे के ऊपर रखूंगी पहले मैंने बटर पेपर ऊपर रखा ताकि चिपके नहीं और आराम आराम से कटिंग करके फिर मैं एक एक इस तरह से रखती दी जाऊँगी और इसको हम लोगों ने फ्रीज करना ठीक है ये बहुत मज़े की चीज़ है इसको बस आप लोगों ने निकालना है डीफ्रॉस्ट करने की भी इतनी जरूरत नहीं है आप डायरेक्ट ओवन में रख सकते हैं ये बहुत मज़े के बनते हैं क्योंकि हम लोगों ने अगले दिन ही ट्राई करके खाए थे तो बहुत मजा आया था हमें जिसके अंदर आप अपनी मर्जी की चीज़ें ऐड कर सकते हैं ये आपकी मर्ज़ी है लेकिन मेरी ये डिश थी तो मैंने इसलिए अपनी मर्जी की चीज़ें इसमें ऐड की और इन मतलब यू नो इनोवेशन आप लोग लाते रहते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से चॉइसेस के हिसाब से तो यहाँ पर देखें जी ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं ऑलिव्स भी मैंने लगा दिए दोनों ट्रेस हमारी रेडी हैं अब इसको रखते हैं हम फ्रीज़र के अंदर फिर इनशाला एक रात इसको हम फ्रीज़ करेंगे और अगले दिन हम इसको निकाल के जिप लॉक बैग्स में रख देंगे ठीक है ताकि जगह कम लें अब आते हैं जी हम अगली रेसिपी की तरफ तो उसी पैन के अंदर मैंने यहाँ पे चिकन जो है ना एक फुल ब्रेस्ट पीस लिया था उसको मैंने बॉईल कर लिया था और श्रेड कर लिया और उसको मैंने पैन के अंदर डाल दिया साथ ही मैंने दो अलग किस्मों की कैबेजेस भी काट ली ठीक है और इसमें मैं डालूंगी टमेटो केचप और कोई सॉस वगैरह मैं ऐड नहीं करी। कर रही सिर्फ टमाटो केचप ऐड कर रही हूँ और साथ में कुछ मसाले मसालों में सबसे पहले जाएगा नमक थोड़ी सी लाल मिर्च मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी ब्लैक पेपर ठीक है जी थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर भी मैंने ऐड कर दिया इसमें और अब मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड कर रही हूँ ताकि सारे मसाले जो है ना चिकन के साथ अच्छे से मतलब मिक्स हो जाएं और थोड़ा सा केचप मुझे कम लग रहा था मैंने ऐड कर दिया अच्छा केचप की जगह आप हॉट सॉस सोया सॉस भी ऐड कर सकते हैं टमेटो सॉस भी ऐड कर सकते हैं आई I मीन mean, टोमेटो पेस्ट ये आपकी मर्ज़ी है और यहाँ पर मैंने दोनों कलर की जो कैबिज़ काटी थी वो भी मैंने ऐड कर दी अच्छा इस जगह पर आप जो कैप्सिकम्स होते हैं ना वो भी ऐड कर सकते हैं डिफरेंट कलर्स के मेरे घर वालों को इतने पसंद नहीं है तो इसीलिए फिर मैंने कैबेज ज़्यादा प्रेफ़र किया तो यहाँ पे ये चेंजेस वग़ैरह आप लोग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं तो बस ये भी हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है तो चले जी अब बनाते हैं अपनी चिकन पेस्ट्रीज़ तो दूसरी पफ पेस्ट्री शीट का जो पैकेट था ना वो भी मैंने खोल लिया और उसमें से पहली शीट मैंने निकाली इस तरह और इसको इस तरह से हम लोग करेंगे फोल्ड दोनों तरफ से और दरमियान में से हम लोग कर देंगे चारों तरफ से कट ठीक है जिस तरह की आप देख सकते हैं आई होप मैं सही से बता रही हूँ तो इस तरह हमारे पास ना समोसों की शेप में ये आ जाएगा और बीच में हम डालेंगे फिलिंग और इर्द गिर्द से मैंने थोड़ा सा पानी लगाया था क्योंकि मुझे बड़ा ड्राई फील हो रहा था और फिर फोक की मदद से ना इसको हम लोगों ने बंद कर देना है तो वो ज़रा थोड़ा डिज़ाइन भी क्रिएट हो जाएगा और बहुत मजे का मतलब अच्छे से बिल्कुल बंद भी हो जाएगा तो इसी तरह से सारे हम लोगों ने तैयार कर लेने हैं तो ये चिकन पेस्ट्रीज भी हमारी तैयार हो चुकी हैं और इनको अब हम रखेंगे फ्रीज होने के लिए ठीक है और वैक्स पेपर मैंने मस्ट बिछाया ताकि इसके साथ ही चिपके नहीं तो चले जी मिलते हैं अगले दिन आपसे यहाँ पर जी ये जूस बना रहे हैं और ये सारे बर्तन रात को धुले थे अभी बिखरे हैं मैं वो इन शेटूँगी और मुस्तफ़ा की मैं वाफुल बनाने लगी हूँ तो जूस वाला डिपार्टमेंट तो जैसे कि मेरे हस्बैंड का ही है ना तो मैंने इनसे पता चले आप बनाए मैंने अभी फ्रीज़र से निकालें इनको मैं जब लोग बैगस में रखने लगी हूँ तो मैंने सोचा कि चलो ज़रा कुछ नाश्ते में भी ट्राई करते हैं और यहाँ पर जी मैच भी देखा जा रहा है आज कौन सा मैच है, है। नहीं नहीं मतलब सेकंड वन डे आई मीन टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज है ना नहीं नहीं टेस्ट सीरीज खत्म हो गई है जाज जाज वन डे वन डे शुरू होगा। देखिए सर मैं कितनी बेखबर हूं एक्चुअली ये बहुत क्रेजी है बहुत मजे का खेल है अच्छा हां ना आप तो तो लोग देख रहे होंगे जब तक हम अपलोड करेंगे तब तक सब हो चुका होगा लेकिन मुझे बिल्कुल इस दफा इंटरेस्ट नहीं है ये बेचारे मुझे हर वक्त कहते हैं 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 चलो देखते हैं। ये ये करते करते क्या है ऑरेंज ये? जूस चले जी मैं बस जल्दी जल्दी वेट करती हूँ क्योंकि नाश्ते का टाइम जा रहा है अचानक ही नाश्ता चेंज हो गया तो चले यहाँ पर जी कुछ चीजें हम लोग अभी नाश्ते में खाने लगे हैं और कुछ मैं जिप लॉग बैग्स में रखने लगी हूँ ठीक है मुस्तफा का वाफुल और चिकन पेस्ट्रीज साथ में चिकन स्वर रोल्स मैंने ओवन में रख दिया था 350 फिफ्टी फैरन हाई टेम्परेचर था ओवन का और तकरीबन 20 मिनट तक ये रेडी हो चुकी थी चीज़ें और यहाँ पे आप देख सकते हैं जिप लॉग बैग्स में बाकी चीज़ें डल रही हैं ठीक है थीके? और इनको मैं रखने लगी हूँ फ्रीजर में और इस तरह ये होता है कि जगह बहुत कम लेती हैं यहाँ पे बाबा अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं मुस्तफ़ा को नाश्ता करवाते हुए इनकी चाय भी बन रही है बाकी ओवन में सारा कुछ है बाबा जी बताएं कैसा चल रहा है मैच आपका आज बहुत ज़्यादा तो सारे टेस्ट मैचेस देखे मुझे तो पता ही नहीं था वनडे भी शुरू हो गया अभी पता लगा आप लोगों के सामने ही के मुझे तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं था लेकिन ये तो बहुत ही क्रेजी है बहुत ज्यादा हर वक़्त मोबाइल पे लगा के ऐसे बैठे होते हैं चाहे वो काम पे हो या घर में हो तो आफ्टर ट्वेंटी मिनट्स देखिए जी अब मैं इनको निकालने लगी हूँ मेरे ओवन में तो तकरीबन इतना ही टाइम लगा है हर ओवन डिफरेंट होता है तो खैर आप लोगों ने उसे हिसाब से ही देखना है तो जब इस तरह गोल्डन ब्राउन सा हो जाए तो बस आप समझ जाइएगा कि बन गए हैं तो नाश्ते में इस तरह प्लान बना हमारा कि मैंने इनको फ्रीज़र से निकाला मैंने कहा चलो इनको जिप लॉक बैग में डालती तो बस हमारा अचानक नाश्ते में प्लान बन गया तो अभी हम नाश्ते में ट्राई करने लगे हैं खैर बहुत मज़ा आया यकीन करें मेरे हस्बैंड को तो चिकन पफ पेस्ट्रीज़ बहुत ज़बरदस्त लगी हैं और मुझे तो खैर दोनों चीज़ें बहुत अच्छी लगी हैं तो बच्चों को बहुत अच्छी लगने वाली हैं आप नॉर्मल रूटीन में भी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं और रमज़ान के लिए भी लाइक अवतार के टाइम पर भी ये बेस्ट है तो बहुत मज़ा आएगा इन आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है कॉमेंट करके ज़रूर बताना है कि वीडियो कैसी लगी आज की तो अब लेती ले इजाजत फिर आऊँगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ तब तक आप लोगों ने दुआओं में याद रखना अपना ख्याल रखना है अल्लाह अल्लाफ